बांग्लादेश के खिलाफ भारत को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद कप्तान विराट कोहली को भारतीय पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर की नाराजगी का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश के सामने टीम इंडिया को एक तरफा जीत मिली। इस पिंक बॉल टेस्ट में भारत ने एक पारी और 46 रनों से बांग्लादेश को ढाई दिन के अंदर हार का स्वाद चखाया और एक और सीरीज पर अपना नाम लिख दिया। इसके बाद विराट कोहली ने भारत में जीत का कल्चर लाने के लिए बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली को श्रेय दिया। मैच के बाद विराट ने कहा, ये जीत का सिलसिला दादा की टीम के साथ शुरू हुआ था और हम सिर्फ इसे आगे बढ़ा रहे हैं। इस बात पर सुनील गावस्कर ने विराट कोहली को अपने ही लहजे में जवाब दिया। गावस्कर ने कहा, ये एक शानदार जीत है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। भारतीय कप्तान ने कहा कि ये साल 2000 में दादा की टीम के साथ शुरू हुआ था। मैं जानता हूँ कि दादा अब बीसीसीआई प्रेसिडेंट हैं, तो शायद कोहली उनके बारे में सब अच्छा ही बोलना चाहेंगे, लेकिन भारत 70s और 80s में भी जीतता था। उस समय कोहली का जन्म भी नहीं हुआ था। इसके बाद गावस्कर ने कहा कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि क्रिकेट साल 2000 में ही शुरू हुआ, लेकिन टीम इंडिया 70 और 80 के दशक में भी जीत हासिल करती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स तक।